हेलो फ्रेंड्स, आपको अलमेक फैशन में स्वागत है आपके अपने चैनल में। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट से जो है शुरू से ही वीडियो बनाना शुरू करूँगा। जैसे छोटे बच्चे को ABCD से पढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे बेसिक लेके मैं शुरू करूँगा। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इंच टेप, स्केल्स, कैंची वगैरह जो है कौन सी लें और किससे आपको जो है बेनिफिट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं इंची टेप से लेकर के। देखिए ये इंची टेप है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इससे आप मेजरमेंट भी ले सकते हैं और इससे आप कटिंग भी कर सकते हैं, इससे आप इसको सिलाई में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि कितने सूत में कितना कितना MM होता है, कितना इंच होता है, कितना जो है मीटर होता है, कितना फुट होता है। बाकी मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ जो सिलाई के काम में जो यूज़ होता है इंची टेप के इंचज़ में, वो चीज़। देखिए ये सब इन चीज़ें आपको पता है, तो इसके अंदर जो है चार और चार आठ, आठ सूत होते हैं एक इंच के अंदर। तो वो कैसे, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, ये आठ सूत आपके जो है एक इंच के अंदर होते हैं। आठ सूत को मिला करके एक इंच बनता है। अब इसके अलावा जो है ये इतना पोर्शन जो है ये हाफ इंच होता है, जैसे ये है यहाँ तक, चार सूत के अंदर हाफ इंच होता है और आठ सूत के अंदर एक इंच होता है। ये 1.5 इंच, ये 2 इंच, ये 2.5 इंच, ये 3 इंच। इधर आ जाइए आप, ये सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर जो है ये आपका इसके नीचे छुप रहा है, बाकी ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। टेलर के काम में सेंटीमीटर और इंचज ही काम आते हैं, बाकी फुट और MM वगैरह काम नहीं आते। ये तो आपने इसको देख लिया इंची टेप को। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा और आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको ज़रूरत पड़ती है एक चॉक की, ज़रूरी नहीं ब्लू ही चॉक हो, वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रंग के कपड़ा काट रहे हैं और किस रंग का चॉक यूज़ उस पर करेंगे। जैसे ये ब्लू चॉक है, तो ब्लू चॉक आप जो है किसी भी डार्क कलर के कपड़े पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइट कपड़ा हुआ तो उसके ऊपर आप पीले कलर का चॉक, या फिर जो है ऑफ वाइट कलर का चॉक, या फिर जो लाइट कोई भी कलर का चौक आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क कलर का चौक यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर आ जाते हैं कैंची पे। तो देखिए ये है कैंची। अब ये तो मेरे पास जो कैंची है ये काफ़ी हैवी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कितनी हैवी कैंची यूज़ करें। इसके अलावा जो है आप छोटी कैंची यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 10 नंबर की कैंची है, इस पर नंबर नहीं लिखा खैर, मगर ये 10 नंबर की कैंची है। तो आप जो है छोटी कैंची यूज़ कर लीजिए पैटर्न वाली, उससे कटिंग अच्छी होती है। अगर आपका काम ज़्यादा ही बड़ा है तो आप हैवी कैंची यूज़ कर सकते हैं। ये कम से कम 12 नंबर की कैंची है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12। बाकी अब आ जाते हैं स्केल्स के ऊपर। तो स्केल्स हमारे जो है बहुत तरीके के स्केल्स होते हैं, आप जितने स्केल्स देखोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास सीधा स्केल भी है, आप उससे भी पूरी पैंट की, शर्ट की, कुर्तियाँ कुछ भी काट सकते हैं, आपके हाथ के अंदर होता है शेप। आप ये सोचिए कि अब मेरे पास ये ऐसा स्केल नहीं है तो ये कटिंग कैसे होगी, या वैसा स्केल नहीं है तो ये कटिंग कैसे होगी। आपको अपने हाथ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ जी मैं ये पीस जो है अपने हाथ की शेप से ही जो है काट सकता हूँ, क्योंकि
पहले के टाइम पे इतने स्केल नहीं होया करते थे कि जो है इतनी शेप वेप लगा दें। पहले सिर्फ सीधे सिंपल स्केल सीधे स्केल होया करते थे, जैसे ये एक देखिए 1 फीट का स्केल है, ये छोटा सा, इससे जो है आप सारे निशान लगा सकते हैं। इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इससे शेप नहीं दे सकते, आपके हाथ के अंदर है शेप क्या, आपको कितने इंच पे कितने सेंटीमीटर पे आपको जो है शेप देनी है। ये तो अब जो है काम इजी करने के लिए शेप पट्टियों का यूज़ होने लगा है। अब शेप पट्टियों पे आ जाएं तो शेप पट्टी पे देखिए एक ये है, ये 24 इंच की शेप शेप स्केल है और इसके अंदर जो है हल्का राउंड है। अब आप ये देखिए कि इस ये स्केल जो है बहुत कॉस्टली होते हैं, मतलब ये HL कंपनी का है और जो है इस स्केल के अंदर जो है ज़्यादा खास बात नहीं है, बस ये है, ये 14 इंच तक बिल्कुल सीधा है, उसके बाद यहाँ पे इसमें शेप है। बाकी आप जो काम सीधे स्केल से कर सकते हैं वो इससे भी कर सकते हैं। यह है, इससे थोड़ा टाइम की जो है बचत होगी। जैसे आप आधे इंच पौने इंच का निशान लगाएंगे वो चीज़ आपको नहीं लगानी, आपको रखना है और सीधा निशान लगा देना है, आपका पीस कट जाएगा। इसके अलावा एक एक स्केल और है, वो है ये, इसमें उससे ज़्यादा, ये 30 इंच का स्केल है और इसमें इसमें उससे ज़्यादा शेप है। ये भी वही चीज़ है, HL कंपनी का है, ये भी जो है शर्ट शर्टों में पैंट में आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक स्केल और है, ये रहा, ये भी वही चीज़ है, इसमें कर्व कम है, ये पैंट के लिए सीधा आप रख के इसको काट सकते हैं, इससे आपको कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है, आपको थाई नाप के मोरी नाप के और जो है निशान लगा देना है, आपका पीस कट जाएगा। मैं आपको कटिंग करूँगा तो आपको जो है हर स्केल से जो है कटिंग करूँगा और उसके बारे में आपको समझा भी दूँगा और सीधे स्केल से भी आपको पीस कटिंग करके समझा दूँगा। अब आ जाते हैं मेन, यह है एल। अब जिसको ये एल का फॉर्मूला पता होगा वो वीडियो जो है वो जो है कटिंग जो है आराम से कर सकता है। जिसको नहीं पता होगा कटिंग तो खैर वो भी कर लेगा, मगर उसको जो है पॉइंट नहीं पता होंगे। अब ये सीधा इसके इस अगर ये जिसको ये पता है खाली ये स्केल है तो वो तो उसके लिए तो सिर्फ एक निशान लगाने का जो है साधन है। बाकी जिसको इन नंबरों के बारे में पता होगा ना, उसको पता है कि ये नंबर वाला स्केल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। तो आप इन नंबरों को समझने की ज़रूरत आपको इन नंबर के समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन नंबरों में घुस जाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें की एक वीडियो बना रखी है कि जितने ज़्यादा आप देखोगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सिंपल से याद रखना है कि ये आपको सिर्फ सीधा स्केल सीधा सीधा मार्क लगाने का स्केल है, जो आपका जो है पीस बिल्कुल एक्यूरेट मार्क पे गिरेगा। आपको ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मार्क सीधा रख खींचना है या फिर जो है जो भी पीस आप काटोगे उसके हिसाब से जो है मार्क सीधा लगा देना है। ये आपको जो है सीधा मारिक इस तरीके से लग जा, मतलब सीधा 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 मारिक लग जाएगा। ये चौक जो है चल नहीं रही है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बाकी जो है इससे भी अच्छी अच्छी चौक आती है, आप कोई सी भी कंपनी का चौक यूज़ कर सकते हैं। ये दीपक कंपनी का चौक है, कोई चिराग कंपनी का भी चौक आता है, और मतलब बहुत सारी कंपनी के चौक आते हैं, और इससे इम्पोर्टेंट चौक भी आते हैं जो है 10 रुपये का एक चौक होता है, जिसका मतलब 100 रुपये का डब्बा आता है, 50 रुपये का डब्बा आता है। आपको इतना महंगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 10 रुपये का चौक का डिब्बा आता है, इससे आप हर पीस काट सकते हैं। आप इतना इतना आगे सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो जो पीस आप इस चौक से काटेंगे वो पीस आप जो है वही पीस आप जो है वो 100 रुपये वाले से भी काटेंगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है उससे उस चौक के निशान से जो है आपके आपका पीस जो है अच्छा बनेगा। आपके हाथ में हुनर होता है जो आपके पीस को अच्छा बनाता है।
इतना तो आपको आपको मैंने समझा दिया। बाकी इन ये जो नंबर जो हैं, नंबर हर हर स्केल के अंदर नंबर होते हैं, मगर वो किसी काम नहीं आते। जो आपको इंची टेप के जो इंची काम इंची टेप करेगा वो काम कोई भी स्केल नहीं कर सकता। बाकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर ऐसी हैं जिन्होंने स्केल के बारे में बताया हुआ है। मेरी भी एक वीडियो ऐसी है जो मैंने एल स्क्वायर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बाकी आपकी समझ के ऊपर बात है कि आप जो है किस हिसाब से काम करते हैं। मैं तो मेरा सीधा सिंपल सा हिसाब है कि अगर आपको पीस काटना है, आपको सिर्फ एक निशान जो है एल से लगाना है, बाकी पूरा पीस जो है उसी उसी निशान से जो है कट जाएगा। अगर आपके पास एल स्केल भी नहीं है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना बिना एल के एल से भी जो है आप पीस काट सकते हैं, बिना शेप पट्टी से भी आप पीस काट सकते हैं। आप जो है जो जो पीस आप जो है 50 रुपये वाले स्केल में काट सकते हैं, वही पीस आप जो है 10 रुपये वाले स्केल में भी काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 500 500 1000 1000 रुपये के ये स्केल लेने पड़े और जो है आप खर्चा भी हो और जो है उनमें मज़ा भी ना आए, क्योंकि ये स्केल प्योर लकड़ी के होते हैं। आप जो है 30 40 रुपये वाला प्लास्टिक का स्केल लीजिए और आप उससे पूरा पीस काट दीजिए, कोई भी शिकायत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बाकी अब मैंने जो है वीडियो बनाना धीरे धीरे शुरू करूँगा और धीरे धीरे जो है आपको जो है हर चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मैं शुरू से जो मैंने पहली वीडियो बनाना शुरू करी है, अब आगे से जो है मैं आपको जो है पैंट की शर्ट की कुर्ता पजामा कोट सफारी A to Z सब चीज़ की वीडियो बनाऊँगा। जैसा भी होगा आपके सामने जो है वीडियोस को अपलोड करूँगा। बाकी जो है नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको जो है कुछ कोई पीस काट के दिखाऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।